मेरा एक मैं आपको बता दूँ, पढ़ के ना सुनाइए, आप फोटो बताने तो पढ़ तो देंगे फोटो ठीक है सर, हो गया भाई, वाइट दे रहा वाइट जैसा कि आपको मालूम है, इस देश के हर राज्य में, हर जगह, हर जनपद में मजदूर फंसे हुए हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। फैक्ट्रियां, कारखाने, दुकानें, उद्योग बंद हो चुके हैं। आज वो बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे, फटे हाल अपने अपने जनपदों में पड़े हुए। कांग्रेस पार्टी ने पहल की कि अपने खर्चे पर 1000 पशु के इंतजाम किया और उत्तर प्रदेश सरकार से उसकी अनुमति मांगी। उसके बाद कई ड्रामे के बाद कि कभी शर्तें, ड्राइवर का नाम दो तो कभी फिटनेस सर्टिफिकेट दो, तमाम शर्तों का पालन करने के बाद 1000 बसों की अनुमति उत्तर प्रदेश के अपर गृह सचिव ने हमें अनुमति दे दी। और जब संचालन किया गया, बसें चलाई गई, तो हर जनपद की सीमाओं पर उन्हें रोका गया, उनसे बदसलूकी की जा रही। कल 19 तारीख को उन बसों को चलाने की मांग करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित अजय कुमार लल्लू जी ने जब उनसे बात की तो उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी बदसलूकी की गई है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हम उनको घर पहुंचाएंगे और फर्जी आंकड़े देती है कि 16 लाख पहुंचा दिए, 25 लाख पहुंचा दिए। आज जो लोग कांग्रेस के खर्चे पे, अपने खर्चे पे घर जाना चाहते हैं, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार जगह जगह रोक कर उन पर लाठी डंडे चला रही है, उनको रोक रही है और वो भूखे प्यासे हैं, उनकी हाय लेने का काम कर रही है। हम इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी बात, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के निजी सचिव, जिन्होंने लिखित में अनुमति मांगी है और अनुमति मिलने के बाद उन बसों को चलाया गया है, उसके दबाव बनाने के लिए हमारे निजी सचिव श्री संदीप सिंह पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, कई कांग्रेसियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। हम ये मांग करते हैं कि उनकी रिपोर्ट वापस ली जाए। हम ये मांग करते हैं कि अजय कुमार लल्लू जी को बिना शर्त रिहा किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि प्रवासी मजदूर जो भूखे प्यासे, जो देश का निर्माण